कैसे हैं? उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। लो जी, आज भी बारिश जो थी, ये बताया गया था कि तूफ़ानी बारिश होगी, लेकिन तूफ़ानी तो बारिश नहीं हुई। सुबह भी हल्की बारिश थी, फिर हल्की हल्की बारिश है, कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है, तो ये सिलसिला चल रहा है। अलहमदिल्ला वो जो कह रहे थे कि हाई अलर्ट है, बहुत ख़तरनाक हवाएँ और तूफ़ानी हवाएँ चलेंगी, तो फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं गुलाबी मौसम। जी हाँ, गुलाबी मौसम, और हवा भी नॉर्मल है, हल्की हल्की फुहार चल रही है। और अब हम अपने सफ़र का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आपको जिक्र कर दें कि हमें कुछ इत्तला मिली थी कि मुजाहिद कॉलोनी में दोबारा इंक्रोचमेंट की जा रही है, तो सोचा आज वहाँ चलते हैं, रास्ते में आपको ये व्यू भी दिखाते हैं और मुजाहिद कॉलोनी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाही देते हैं। 7 नंबर बस स्टॉप नाज़ाबाद का कहलाता है ये एरिया, इससे आगे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस आ जाता है उल्टे हाथ पर, और अब्दुल सत्तार दीदी फ्लाई ओवर ब्रिज जिधर से व्यू टर्न लेके राइट साइड वाले रोड पर आएंगे। हल्की हल्की बारिश में हमेशा जो है ये, मैं ज़रा कैमरा साफ़ कर रहा हूँ तो आपको वीडियो थोड़ी धुंधली नज़र आएगी। ये कैमरा साफ़ हो चुका है, ये कुछ बारिश का पानी कैमरे के ऊपर था बिल्कुल फ्रंट पर, इसलिए मैंने वो साफ़ किया है। लीजिए, ये मशीन कहाँ जा रही है? क्या नाले सफाई करने जा रही है या कहीं और इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं पता। आजकल तो इंक्रोचमेंट वाले भी इतला नहीं देते कि कहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कहीं पर भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो होती थी वो अभी फ़िलहाल बंद है बारिशों के सिलसिले की वजह से। अब हम अब्दुल सत्तार एजी फ्लाई ओवर ब्रिज से यू टर्न लेंगे और फिर सीधा जाके मुजाहिद कॉलोनी के इलाके में दाखिल होंगे। बड़ा ख़ूबसूरत व्यू, मौसम बहुत अच्छा, फ्लाई ओवर ये ब्रिज जो है ये बिल्कुल गोल है, गोल घूमे जाओ घूमे जाओ। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह की शान। और अब हम ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं, मेरे उल्टे हाथ पर सैमा व्यू का अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से आगे जाके उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं मुजाहिद कॉलोनी में क्या सूरत हाल है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हमें मैसेज कर रहे थे कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चल रही है तो उसकी एक अपडेट दें, तो हमने कहा चले आज देखते हैं। वाह मेरे भाई, अब ये मुझसे टकरा जाता तो फिर क्या होता, खैर अल्लाह ने करम किया। तो ऐसे भी लोग हैं, इसको मैं हॉर्न दे रहा था लेकिन ये सुन नहीं रहा था, मैंने कहा बाइक के सामने ना आ जाए।
तो लीजिए अब राइट साइड पर टर्न लेते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। बारिश के बाद तो यहाँ बड़ी कीचड़ हो चुकी है। अच्छा, यहाँ जो मकान था वो तो डिमोलिश कर दिया था, उसकी तो हमने आपको अपडेट दी थी। आगे भी मेरे ख़्याल में कुछ इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है, मलबा वगैरह मौजूद है। ओए होए, रोड तो आप देखें क्या हाल हो गया। ये रास्ता बिल्कुल ही बड़े केयरफुल होके चलना पड़ेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी भी इसमें शामिल है और चिकनाहट हो चुकी है। फ़िलहाल तो हमें कोई मशीनें वगैरह नज़र नहीं आ रही, हो सकता है दोपहर पर में कोई कार्रवाई हुई हो। आगे की साइड पर तो थोड़ा और आगे चलते हैं, जब आए हैं मुजाहिद कॉलोनी में तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। हज़ारों घर यहाँ पर डिमोलिश किए गए थे, किसी ज़माने में यहाँ आबादी हुआ करती थी, और इस वक्त जो हम जिस लाइन में चल रहे हैं ये रोड हुआ करता था और ये सारे मकानात हुआ करते थे यहाँ पर। डबल डबल स्टोरी कुछ तो तीन तीन चार चार मंजिला भी मकानात थे। बाइक थोड़ी फंस चुकी है लेकिन अब हम निकल गए। यहाँ पर कुछ दिनों पहले पानी की लाइन डाली गई है, अब देखते हैं सेवरेज का काम कहीं हो रहा है या कि नहीं। पाइप तो वगैरह मौजूद हैं, फ़िलहाल हमें यहाँ पर अभी कोई मशीन नज़र नहीं आई है। कुछ मकानात अभी भी बाकी हैं। हो सकता है काम हो रहा हो लेकिन जब बारिश शुरू हो गई तो वो काम रोक दिया गया हो। फ़िलहाल तो कहीं हमें काम या मशीन नज़र नहीं आई है। आगे की तरफ जाना, आप देख सकते हैं रास्ता कितना ख़राब है, तो अकलमंदी नहीं होगी, हमें आगे से राइट साइड पर टर्न ले लेना चाहिए। कैमरे को एक बार फिर मैंने साफ किया है, क्या ज़बरदस्त व्यू लग रहा है जी, एकदम खुला मैदान बन चुका है। थोड़ा और आगे चलते हैं क्योंकि आगे से फिर राइट साइड पर टर्न ले लेंगे। अच्छा जी, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे। और यहाँ से अब हम टर्न लेते हैं, और ये रास्ता जो है, बल्कि ये गली जो है, ये मुजाहिद कॉलोनी नाज़ाबाद नंबर 4 की गली कहलाती है, और आगे जाके नाज़ाबाद नंबर 4 का एरिया शुरू हो जाएगा। बारिश की वजह से, सुबह से जो बारिश चल रही है हल्की फुल्की, उसकी वजह से पानी भी यहाँ जमा है, तो बड़े केयरफुल होके हमें यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ का तो हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कि कहाँ पर गहरा गड्ढा है। कराची में अक्सर बिश्तर ऐसे ही हादसा हो रहे हैं, ज़ाहरी बात है किसी को पता नहीं होता, और बीच में गड्ढा होता है, पानी जब भरा हुआ होता है तो फिर अंदाज़ा ही नहीं होता। ये शुरू हो गया है नाज़ाबाद नंबर 4 का इलाका। हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, और अच्छा व्यू लगता है। दरख्त लगाएं अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये जुमला हम ज़रूर कहते हैं जहाँ भी हम दरख्तों का एक जाल देखते हैं। यहाँ से हम राइट साइड पर टर्न ले लेते हैं दोस्तों, और इम्तियाज़ वाला जो रूट है
गुज़र से गुज़रते हुए मेन रोड पर आ जाएंगे और वीडियो को भी वहीं पर ही ख़त्म करते हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर या इम्तियाज़ मार्ट के पास। यहाँ पर भी रोड टूट फूट का शिकार है। अब ऐसे गड्ढे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही गहरे होते हैं, लेकिन पानी ऊपर तक भरा होता है, अंदाज़ा ही नहीं होता। आप बाइक गुजारे तो एकदम ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हम करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। इस खूबसूरत रोड के नज़ारे करते हुए वीडियो का एंड करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। राइट साइड पर इम्तियाज़ मार्ट आ चुका है। तो फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।